हेलो एवरीवन, आज कुछ क्रिएटिव करते हैं। इसके लिए आपके पास कोई थर्माकोल, बोर्ड, कैनवस जो भी हो उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका यूज़ किया है, मैंने इसको ड्राई कर लिया है कलर करके ताकि हम इस पर पेंटिंग कर सकें। अब एक्रेलिक कलर या आपके पास पोस्टर कलर हो आप जो मर्ज़ी यूज़ कर लीजिए। मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ और 2 नंबर का राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। कलर को थोड़ा सा शेड देने के लिए मैं मिक्सिंग कर रही हूँ और अब हमारा जो बेस है जिसे मैंने पहले से ड्राई करके रखा था, ड्राई इसीलिए किया था ताकि अब इस पर आसानी से पेंट हो सके। अब देखिए मैं लीफ की शेप में इस पर ड्रॉ कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि हमने कलर मिक्सिंग की है तो लाइट एंड डार्क वो अपने आप ही शेड आती जाएगी। ज़रूरी नहीं है आप ग्रीन का यूज़ करें, आप कोई भी कलर मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके की आप ड्राइंग करना चाहते हैं आप वैसे ड्राइंग कर लीजिए। इसको पूरा बेस हमने फटाफट से लीफ बना लिए और वो सब डिफरेंट डिफरेंट शेड की आ रही है क्योंकि उसमें शेडिंग आ रही है। अब थोड़ा फिनिशिंग की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा एक डार्क शेड लिया। डार्क शेड लेने के लिए एज यूजल आपको पता है डार्क के लिए हम क्या करते हैं, यस, ब्लैक मिलाते हैं, और लाइट के लिए वाइट। जब हमें डार्क टोन चाहिए तो हमें उसमें हल्का सा ब्लैक कलर यूज़, तो मैंने ग्रीन में ब्लैक कलर का मिक्स किया और थोड़ा डार्क ग्रीन किया। अब इसके ऊपर हमने छोटे वाली जो लीव्स होती हैं वो बनाई है। आप शेप भी अलग अलग कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग इसको ट्राई करो। फिर इसके बाद मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर लिया, ब्रश वही 2 नंबर का है, और फ्लावर शेप में वहाँ पर पेंट लगाना शुरू किया। सिंपल फ्लावर, सिर्फ मैं अपने ब्रश पे पेंट ले रही हूँ और उसको वहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। पहले से कोई फ्लावर ड्रॉ नहीं है, अगर आप चाहो तो जब आपकी लीफ ड्राई हो जाएंगी तो आप इस पर फ्लावर ड्रॉ भी कर सकते हैं। व्हाइट फ्लावर बनाने के बाद इसमें मैंने येलो पैच दिया उसकी बीट शो करने के लिए। थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने बीच में डाले हैं ब्रश फ्लावर। ब्रश फ्लावर के लिए हमने व्हाइट और रेड को, क्रिम्सन रेड को मिक्स किया तो हल्का पिंक शेड आया, जिससे हमने ब्रश फ्लावर डाले और ग्रीन के साथ मिक्स करके हमने इसकी बारीक बारीक सी डंडी निकाल दी। इट्स लुक अमेजिंग, ये बहुत सुंदर लगेगा जब आप बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। कोई भी घर पे पड़ा हुआ कोई लकड़ी का टुकड़ा, कोई कैनवस, कोई थर्माकोल, बस बनाना है और सुंदर सा डेकोरेट करना है, बिकॉज़ यू आर अ आर्टिस्ट।